Wcc-2 new update is launched to version 2.8.2.3. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है टेकी और आप सभी लोग देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल टेकी टेक। और Wcc-2 का गाइस नया अपडेट आ गया है जो कि है वर्जन 2.8.2.3। अब इस अपडेट में यार कोई चीज़ आपको नई नहीं मिली है, बस वो जो गेम ऑन मास्टर लीग थी वो ओपन हो चुकी है। बट इस वीडियो का यार मकसद मेरा इस चीज़ के लिए था कि आपको इस अपडेट के बारे में बताया ही जाए, बट आपको यार ये चीज़ बताया जाए कि ये जो गेम ऑन मास्टर लीग है ये बहुत ही अच्छी लीग है, आपको इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और क्या पता आप इसमें जीत करके पूरी दिल्ली की फ्री टिकट जीत सको, दिल्ली में फ्री में जा सको और अपना जो फाइनल्स है वो जीत सको और दिखा सको कि हम Wcc-2 को कितनी अच्छी तरीके से खेलते हैं और हमें उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। और यही नहीं गाइस, आप इस लीग को खेल करके दिल्ली में फ्री में तो जा ही सकते हो, लेकिन इसके साथ ही साथ आप इसमें कई सारे प्राइजेस जैसे कि बहुत सारे पैसे भी जीत सकते हो। तो आपको गाइस गेम और मास्टर्स लीग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, आपको इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा कि आपको इस लीग में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, किस तरीके से प्राइजेस को जीतना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इसी बात पे यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट यार अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ जाकर के इस वीडियो पर जितना भी हो सके उतनी लाइक कर देना और कॉमेंट भी कर देना, ताकि यार मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोज बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने Wcc-2 को अपडेट करना पड़ेगा वर्जन 2.8.2.3 में, जो कि आप यहां पर देख सकते हो कि मेरा Wcc-2 बिल्कुल ही अपडेटेड है। तो आप अपडेट कर सकते हो, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद गाइस आती है हमारी गेम ऑन मास्टर्स लीग की बात। तो सबसे पहले इसमें दो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। पहली कंडीशन तो ये है कि आप अगर इंडिया से हो तो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर आप अदर कंट्री से हो पाकिस्तान नेपाल या बांग्लादेश तो आप इस लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। और दूसरी बुरी न्यूज़ ये है कि अगर आपकी एज 18 साल के ऊपर है तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर आपकी एज उससे कम है तो आप इस लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दी। उसके बाद अब हम चलते हैं गेम ऑन मास्टर्स लीग पर, तो इसमें आपको किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है वो गाइस मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले यार मैं आपको यहाँ पर प्राइजेस दिखा दूँ कि आप लोगों के लिए क्या प्राइजेस हैं। बट यार मैं आपको बता दूँ कि कई सारी इसके अंदर कंडीशंस थी, तो हो सकता है यार मैं कुछ चीज़ें भूल जाऊँ, तो उसको यार इतना मत नोटिस करना क्योंकि बहुत चीज़ें थी गाइस। तो जितना भी मुझे समझ में आया मैं आपको उतना बता दे देता हूँ और अच्छे से ही बताऊंगा जो कुछ भी समझाऊं। तो अगर आप यार फर्स्ट आते हो इसके अंदर तो आपको इसके अंदर 12,000 रुपये का अमेजोन क्रेडिट मिलेगा, यानी कि आपको मतलब बैंक में आपके पैसे नहीं आएंगे, आपको अमेजोन ऐप जो होता है उसी में शायद क्रेडिट करके आएंगे, जिससे कि आप कुछ गैजेट्स खरीद सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो कपड़े खरीद लें तो आप इस पैसे से कपड़े नहीं खरीद सकते हो, बट हाँ गैजेट खरीद सकते हो। और इसके साथ ही साथ गाइस अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपको 12,000 अमेजोन क्रेडिट तो मिलेंगे, बट आपको दिल्ली की फ्री टिकटें मिलेंगी जो कि पूरा पेड होगा, आपको एक पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, आप वहां पर दिल्ली में जाकर के फाइनल्स खेलोगे। और अगर आप सेकंड आते हो तो यही सेम चीज़ अप्लाई होती है, बट हाँ आपको इसमें 8,000 रुपये अमेजोन क्रेडिट मिलेंगे और दिल्ली की फ्री टिकट। और उसके साथ ही साथ आप अगर थर्ड आते हो तो 4,000 अमेजोन क्रेडिट मिलेंगे, बट आपको इसमें दिल्ली की फ्री पेड वो जो होगा फाइनल्स आप खेलोगे वो आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी आप यहाँ पर विनर्स देख सकते हो, तो विनर्स गाइस अभी इसमें नहीं शो होंगे क्योंकि अभी ये जो लीग है ये करंट चल रही है और जो इसमें 4 क्वालिफायर राउंड होंगे, तो जो पहला क्वालिफायर राउंड चल रहा है वो अभी करंट चल रहा है 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक, और जो सेकेंड चलेगा वो जो है वो है 14 दिसंबर, और जो थर्ड चलने वाला है वो 28 दिसंबर को, और जो लास्ट वाला चलने वाला है फोर्थ वाला वो चलेगा 11 जनवरी को। तो इस तरीके से इसमें 4 क्वालिफायर राउंड होंगे, तो अगर आप पहले क्वालिफायर जो कि अभी चल रहा है अगर आप उसमें रैंक नहीं कर पाते हो तो आपके पास सेकंड चांस भी होगा, थर्ड चांस भी होगा और फोर्थ चांस भी होगा, तो आप किसी में भी अपना लक आजमा सकते हो और हो सकता है आप फर्स्ट रैंक कर जाओ। उसके बाद आप यहाँ पर गाइस अपनी जो लीडर बोर्ड है उसको देख सकते हो, जो गाइस मेरा रैंक है वो है गाइस 4,402। अब शुरुआत में मैं सुबह जब खेला था तो 3,000 कुछ समथिंग था, बट अभी ये और घट गया है क्योंकि मैं अभी खेला नहीं हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट से 10 तक यहाँ पर आपकी मतलब रैंकिंग दिखाएगी, तो हो सकता है आप अगर रैंक करो तो आपका भी यहाँ पर नाम शो हो। तो इस तरीके से आप इसमें अपनी जो पोजीशन वो देख सकते हो। उसके बाद अब बात आती है कि इस लीग में आपको किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, तो सारे रूल्स और जितनी भी कंडीशंस थी वो ने मैंने आपको बता दी है। तो उसके बाद आपको सिंपली गेम ऑफ मास्टर्स लीग पर क्लिक कर देना और आपको चेक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपका जो टूर्नामेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पहले सुबह सुबह खेला था तो इसलिए मैं आपको नया टूर्नामेंट करता हूँ,
ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपको यहाँ पर अपनी एक फेवरेट टीम सेलेक्ट कर लेनी है, जो सी भी आपकी टीम हो, और आपको यहाँ पर कई सारे मैचेस खेलने हैं। अब आप रैंक किस तरीके से करोगे, रैंक आप इस तरीके से करोगे, जैसे कि आप अगर कोई मैच जीत जाते हो उसमें आप अच्छे विकेट से और अच्छे रन और विकेट के मार्जिन से जीतते हो तो आपकी जो एक्सपी है वो बढ़ेगी। तो जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपी बढ़ेगी उतना ज़्यादा आप रैंक करोगे। तो इस हिसाब से आपको इसमें अच्छे से मैचेस को प्ले करना है। और आप ये मत समझो कि बहुत ही आसान यह लीग होने वाली है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ब्लिस टूर्नामेंट खेलोगे तो आपको उसमें लॉफ्टेड जो शॉट होगा वो ऑन होगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लॉफ्टेड शॉट ऑन नहीं है, आपको एक मीटर दिया जा रहा है, जैसा कि टेस्ट मैच में होता है मीटर आपको दिया जा रहा है, उसी हिसाब से आप चौके छक्के लगा पाओगे। तो बिल्कुल भी आसान यह लीग नहीं है, बट हाँ ये भी बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से WCC2 को खेलते हो तो आप इस लीग में ज़रूरी रैंक कर जाओगे और हो सकता है आप प्राइजेस को भी जीत जाओ। तो बस गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो, जो कि आई होप आपको पसंद आई होगी और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। और अगर आपको अभी भी कोई चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, और अपनी रैंक बताना मत भूलना, मुझे जानकर के बहुत खुशी होगी आप लोगों की क्या रैंक है। और अगर आपकी कोई सी भी प्रॉब्लम है तो उसको भी आप पूछ लेना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। बाकी इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ से मत भूलिएगा, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आप लोगों को एक नए और अगले वीडियो में के साथ में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका हमारा यूट्यूब चैनल टैकी टैक। गुड बाय।